मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज तक 15 अगस्त में ना कभी सोके उठे, ना 26 जनवरी पे कभी समोसे खाए हैं। लोगों को दिख रहा है वीडियो में, सिर्फ समोसे खाने जाती थी स्कूल में, वो भी समोसे। कितना है पाकिस्तानी यहां से ऐसे सीखा जैसे सारे हम हाय हाय वीडियो इतनी एक्साइटेड हो गए मिलके एकदम बहुत आई भी यार मैं बहुत तो यहाँ पे कॉमन एंट्रीज भी है, वीआईपी एंट्री भी है, तो हमने वीआईपी एंट्री ली है, तो वीआईपी रतलाम एमपी से भी मिले हैं हमारे कुछ चाहने वाले। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। क्या टेक के बैठो, टेक के बैठो, खुद तो इतने आराम से बैठ के बेचारी उसको बेचारी बच्ची को नहीं बैठने देती। बाघा बॉर्डर में जाने से पहले तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है हमारे कुछ पंजाबी भाई जो ये सब बेच रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट शाही किला। वेलकम यू टू। तो सबसे पहले एंटर करने से पहले हमारी यहाँ पे गाड़ी की चेकिंग हो गई है और इन्होंने हमारी डिग्गी चेक कर ली और गाड़ी के आगे की सीट बेल्ट वगैरह सब देख लिया। तो एंटर करने जा रहे हैं बाघा बॉर्डर के अंदर और यहाँ पे एक पार्किंग का भी चार्जेस लेता है सम अमाउंट्स, तो वो भी हमने पे कर दिया है। तो यहाँ पे कॉमन एंट्रीज भी है, वीआईपी एंट्री भी है, तो हमने वीआईपी एंट्री ली है, तो वीआईपी एंट्री का गेट हमारा अलग एंट्री है, तो वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा स्कूल के बच्चे लोग भी आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, तो जैसे हम बचपन में कैसे पिकनिक जाया करते थे, तो ये भी देखने के लिए बाघा बॉर्डर की पूरी परेड आए हैं। तो जैसे ही बाघा बॉर्डर पहुंचे हैं, रितु जी ने देखो अपना कराया है मेकओवर और ये है फुल देशभक्त बन रहे हैं इनों को। पहली बार देशभक्ति जागी है बाघा बॉर्डर पे, इतने टाइम से तो सो रहे थे। आज तक 15 अगस्त में ना कभी सोके उठे, ना 26 जनवरी पे कभी समोसे खाए हैं। सिर्फ समोसे खाने जाती थी स्कूल में, वो भी समोसों के लालच में, और आज देखो बड़ी हीरोइन बन रही है ये। तो ये पार्किंग है, हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, नाउ वे टू बाघा बॉर्डर। गाइस इसके लिए इस औरत को कहीं नहीं लेके जाता हूँ, ये देखो हम जा रहे हैं अंदर, लेट हो रहा है, इसको भूख लगी है। ए भुक्कड़, क्या तेरे को हर जगह खाने का ही रहता है क्या? हाँ, घर में 4 आलू के पराठे खा के आई है ये, एक पूरा भाजी का टोकरा खा के आई है ये, इतना सब पूरी भाजी खा के आई है, और अभी इसको यहाँ पे भी खाना है। अरे शर्म करे, शर्म औरत। तो भैया भैया भी हमें यहाँ मिले हैं, कहाँ से भैया? रतलाम एमपी। रतलाम एमपी से भी मिले हैं हमारे कुछ चाहने वाले। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो ये ऑलमोस्ट हम एंट्री करने के लिए जा रहे हैं, आप देख सकते हो ये बाघा बॉर्डर की एंट्री होने जा रही है। आप देख सकते हो उस तरफ से जेंट्स है, इस तरफ से लेडीज है। अयो हम ना इधर के ना इधर के, बिकॉज दिस इज द वीआईपी एंट्री। ओके, भारत माता बनी अन्नू जी, आज पूरी भारत माता ही लग रही है। हुई हम सब भारतवासी हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और देखो पाकिस्तान के पठान भी जा रहे हैं। ओ पठान साहब, ओ पठान साहब, ओ पठान साहब, ये देखो हमारे अजवा पिक्चर के कौन, इनको हम भेजना है पाकिस्तान यहाँ से, ऐसे सीखा जैसे सारे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले सिक्योरिटी चेकिंग होती है, सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद एंट्री होती है। तो गाइस बाघा बॉर्डर में जाने से पहले आप देख सकते हैं ये, इसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता ये कितने फीट का फ्लैग है। ये देखिए इंडिया का फ्लैग है जो कि आधा आसमान छू रहा है, इतना बड़ा ये फ्लैग है। और ये एंट्री की जा रही है, ये सारे बॉर्डर्स है, आप देख सकते हो उस तरफ हम नहीं जा सकते बिकॉज ये सारा के सारा पाकिस्तानी एरिया है। और ये अभी तो फिलहाल हम इंडिया में ही हैं हम सारे। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। हिंदुस्तान के बॉर्डर पे आए हम, सामने पाकिस्तान का गेट है, हम खुशकिस्मत है कि बॉर्डर पे आए, देख रहे हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा सबसे अच्छा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान इंडियंस, वी आर वेरी प्राउड टू बी इंडियंस। तो ये है देखो आरपीएफ का टैंक, और ये हमारा भारत सरकार, और ये बाघा बॉर्डर की एंट्री, ये स्क्रीन है अंदर हम जहाँ बैठने जाने वाले हैं। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वीआईपी एंट्री है और वहाँ से कॉमन एंट्रीज है, तो हमारा जो भी है सब वीआईपी एंट्रीज हो रहा है। तो गाइज ये फीलिंग बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है गाइज, मैं बयान नहीं कर सकता आपको लोगों को। Hello
गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से आप पाकिस्तान के बॉर्डर से भी लोग जा रहे हैं। हाय मेहर मलिक जी, स्पेशली ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। मैं हूँ इस वक्त बाघा बॉर्डर इंडिया के गेट पे और मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मुझे आप इतने पसंद है। मेरे पीछे पाकिस्तान का बॉर्डर है और अगर मेरा दिल चाहे तो मैं अब भी आपके पास आ जाऊँ, बिकॉज आई एम बिग बिग फैन ऑफ योर। मुझे आपका डांस बहुत पसंद है एंड सीरियसली आई विश एक बार तो आपसे मिलना चाहूँगा जरूर। तो लव यू। तो गाइस इस भीड़ में सुहाना घूम गई है और सुहाना को हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये मिल गई सुहाना, दिख क्यों नहीं रही है? क्यों रे, तेरे को समझता नहीं है क्या? अकेले अकेले छोड़ के चली जाती है तो इतना भीड़ में देखो कहाँ ढूंढेंगे पागल कहीं। मेरा पति कब से देखो ढूंढ रहे हैं। हाँ गाइस, ये बच्ची सी ढूंढ गई थी हमारी, ये बच्ची मिल गई हमको।